क्या करें, तो हमारा कोई अटैक ऐसा हो गया कि वो ऑलरेडी इंगेज, मतलब प्रिंट जॉब बार बार चला दिया उसने इनफाइनाइट टाइम्स, तो हमेशा ही जो लेजिटिमेट यूज़र रहेगा या ओरिजिनल यूज़र रहेगा वो इसको यूज़ ही नहीं कर पाए। तो इस तरीके से जो अटैक जिसमें कि रिसोर्सेज को कंज्यूम कर दिया जाता है, वो सारे के सारे नेटवर्क लेवल अटैक्स दोनों ठीक है। आगे अच्छे से समझते हैं, एप्लीकेशन लेवल है जैसा, मतलब नाम है, हमेशा उस पर ध्यान दीजिए कि जैसा नाम है उसी तरीके का काम हो। अगर इस तरीके से आप मतलब डील करेंगे तो आपको इसी तरीके से समझ में भी आ जाएगा और याद भी हो जाएगा, फिर उसके लिए बुक पढ़ने की ज़रूरत उतना पड़ेगी। क्लियर हो गई बात आपको? अब अगर हम, मैंने प्रैक्टिकल साइट्स की बात की है, तो जितने अटैक्स हैं वो किस तरीके के अटैक्स होते हैं, अब जो ये मैं आपको 5 सिचुएशन दे रही हूँ, ये सारी की सारी सिचुएशन आपकी उसमें डील होती है, जो पैसिव अटैक और एक्टिव अटैक है उस कैटेगरी में डील होती है। लेकिन जनरली क्या होता है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए हम ये बता रहे हैं कि प्रैक्टिकल साइट्स में एक्चुअली कौन कौन से अटैक्स हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो नॉर्मल फ्लो है। नॉर्मल फ्लो में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन सोर्स, यानी कि इंफॉर्मेशन इज सेंडिंग फ्रॉम सोर्स एंड रिसीविंग फ्रॉम द डेस्टिनेशन विदाउट एनी अटैक। ठीक है, दिस इज द नॉर्मल फ्लो। सेकेंड आपका इंटरप्शन आ गया। इंटरप्शन का मतलब है आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे सपोज कोई भाग ही रहा है तो अचानक से कोई दीवार आ गई, तो यानी कि इंटरप्शन हो गया। नॉर्मल फ्लो जो चल रहा था उसमें इंटरप्शन हो गया, इसका मतलब ये कि अब आके कुछ भी आप काम कर ही नहीं सकते उस सिचुएशन। ठीक है, आगे बात समझ में, इंटरप्शन हो गया वहाँ पे। सेकेंड आपका क्या है, इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन को ईस्ट ट्रॉपिक, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था इसका कि नॉर्मल फ्लो तो आपका चल रहा है बट समबडी इज स्टीलिंग योर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इट विल कम अंडर इंटरसेप्शन। देन आपका मॉडिफिकेशन आ गया, इसी फंक्शन से इंटरसेप्ट कर रहा है। हाँ, जो फ्लो चल रहा है, हाँ जो फ्लो चल रहा है उसी से इन्फॉर्मेशन उसने गैदर कर लिया है और इंटरसेप्ट कर रहा है। हाँ, जैसे ईस्ट ट्रॉपिक हो गया, मतलब कि वाट वी आर कॉपी पेन ड्राइव से ले लिए, इसलिए इंटरसेप्ट। हाँ, तो देख लिया, लेकिन कोई बाहर से कोई स्टील कर रहा है इन्फॉर्मेशन को, तो ये इसमें आएगा इंटरसेप्शन। ठीक है, इसमें ब्रेक नहीं हो रहा होता है, नहीं इन्फॉर्मेशन ब्रेक नहीं है, इन्फॉर्मेशन की जो फ्लो है वो ब्रेक नहीं होती है, वो चलती है, बीच में इंटरसेप्ट होती है। लेकिन इंटरसेप्ट हो जाती है उस टाइम आपको ये लगता है वायरलेस को कैच करना। हाँ, वायरलेस की जो कुछ कोडिंग आप मतलब कैच कर लिया किसी ने, आप जैसे आपने मतलब शायद मूवीज वगैरह में देखा होगा कि जब सी में वॉर चलता है तो मैसेज क्या डिकोड किए जाते हैं, डाटा डीडी करके मतलब उनका रहता है, तो वो इसी तरीके से होता है कि वो मैसेज मतलब पास कर रहे हैं, लेकिन जो मैसेज पास कर रहे हैं वो बिल्कुल अनअवेयर है कि कोई अटैक हो रहा है, लेकिन अटैक हो चुका रहता है क्योंकि उन्होंने तो मतलब आपका मैसेज ले लिया। अब ये है कि इनक्रिप्टेड फॉर्म है, वो बाद में उसको डिकोड कर।
लेकिन अटैक तो वो है कि जो इन्फॉर्मेशन सेंडर भेज रहा है वो उस ओरिजिनल फॉर्म में ना जाकर के रिसीवर रिसीव कर दे, तब ये अटैक होता है। ठीक है, देन लास्ट में क्या फैब्रिकेशन, मैंने बताया था वो नकाब पोश वाली बात कि जो रिसीवर है जो सेंडर है उसकी जगह कोई और डेटा को सेंड कर, तो वो फैब्रिकेशन में आता है। ठीक है, इस टाइम जो रिसीवर है वो ये समझता है कि लेजिटिमेट या ऑथेंटिकेशन ये ऑथराइज पर्सन है, वो हमारा अटैकर है। ठीक है, ये पांचों सिचुएशन समझ में आ गए आप लोगों को? ठीक है, फैब्रिकेशन में मैसेज आ रहा है, मैसेज आ रहा है, लेकिन ये फैब्रिकेटर जो है वो, अब जैसे कि सपोज आप इस तरीके से एग्जांपल बहुत ही रियल ले सकते हैं कि प्रॉक्सी लगा देते हैं तो वो भी फैब्रिकेटेड हो गया ना एक तरीके से। इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन है आपसे, मतलब किसी और के बारे में पूछा जा रहा है लेकिन आप कह रहे हैं मेरे पास, जो है इन्फॉर्मेशन वो है एग्जिस्ट कर रही है, ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट एग्जिस्ट कर रहा है उसको हम मॉडिफाइड कर रहे हैं, यहाँ प्लेन टेक्स्ट है ही नहीं, यहाँ पे अटैकर है, वो अटैकर अपने अकॉर्डिंगली डील कर रहा है। मॉडिफिकेशन आपको पता है कि एक सी सेंडिंग सम इंफॉर्मेशन वाई इन बिटवीन टू मॉडिफाई, बट फैब्रिकेशन में एक्स वाई को भी जरा पता नहीं, वाई ये समझ रहा है कि किसी ने भेजा है हमारे घर में, ये समझता है किसी ने भेजा और ही नॉट नोइंग, बट वो आया है उसको समझ रहा है कि उसने मांगा हो, बट इट मे नॉट बी लाइक, एक कुछ दिन पहले का रहता हुआ था कि न्यू फोल्डर के नाम से वायरस है, लोग बहुत ज़्यादा न्यू फोल्डर लिख देते हैं, बहुत सारे हैं, जबकि डैड के वायरस जब ओपन करते तो पता चल रहा है कि आपका कुछ आते हैं। हमारी सबसे ज़्यादा डीलिंग होती है वायरसेस से, बहुत बार आपके पास ये टर्म सुनने में आती है वायरस, तो वायरस एक्चुअली में क्या काम करता है और कैसे करता है या कितने टाइप्स के वायरस होते हैं तो हम इस लेक्चर में आपको बताएंगे। तो वायरस जो होता है वो दो ही अटैक जो हमने प्रैक्टिकल साइट्स दिए आपके, एप्लीकेशन लेवल अटैक और नेटवर्क लेवल अटैक, दोनों तरीके से काम करता है। ठीक है, दोनों लेवल पर काम कर सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन इसमें क्या होता है कि जो भी नॉर्मल ओरिजिनल टेक्स्ट होता है उसमें ये कुछ भी कोडिंग, एक्चुअल में वायरस एक्चुअल में एक कोडिंग है, आप कुछ भी प्रोग्राम में कर रहे हैं जो कुछ भी परफॉर्म हो रहा है ये बिकॉज ऑफ कोडिंग। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं जो आपको कंप्यूटर पे करवाना चाहते हैं इस तरीके की कोडिंग हम ओरिजिनल प्लेन या जो आपका ओरिजिनल प्रोग्राम कोड है उसमें आपका वायरस कोड ऐड कर देते हैं, और जब वायरस कोड ऐड कर देते हैं और कोई भी प्रोग्राम रहता है तो आपको रन तो कराना ही है ना उसको, तो जब आप उसको रन कराते हैं एक सिक्वेंसिंग एक में आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो प्रोग्रामिंग होती है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। ठीक है, किस फर्स्ट आपको वन मतलब पार्ट परफॉर्म करना है, फिर सेकंड स्टेप परफॉर्म करना है, फिर थर्ड स्टेप परफॉर्म करना है। ठीक है, तो उसी में क्या हुआ, ये तो नॉर्मल फ्लो हो गया, इसी में आपने क्या किया वायरस कोड ऐड कर दिया, तो अब ये सपोज उसने कह दिया कि आपके उसमें मल्टीपल फाइल्स खुल जाए, तो जैसे ही आएगा तो मल्टीपल फाइल्स खुल जाएंगे तो आपके रिसोर्सेज कंज्यूम हो गए कि नहीं हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है वायरस। अब ये गलती आपको दिया हुआ ओरिजिनल थ्री को दिया हुआ है उसमें करना क्या है, एड एक्स टू वाई, परफॉर्म प्रिंट जॉब, परफॉर्म क्लोज जॉब एंड एंड। तो मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी एक्टिविटी वी वांट टू परफॉर्म दैट मींस यू हैव टू
बार बार हो रहा है।